दोस्तों आपके लिए आज एक नया और फ्रेश वीडियो ला चुका हूं और इसके अंदर है बोट का रॉकजेट, जो भी बोलते हो बोट का रॉकर्स 550, तो वो इसके अंदर ये हेडफोन है। तो चलिए फटाफट से इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं आपके सामने और दिखाता हूँ इसके अंदर कैसा है। और जो भी आपका कमेंट वगैरह हुआ आप मुझे कमेंट करना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा और अपने तरफ से मैं पूरी चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। ये मुझे 1499 रुपीज़ में पड़ा है। आप देख सकते हो बिल पे जो प्राइस लिखा है 1499 उतने का ही मुझे पड़ा है और स्क्रीन पे भी आप इसका प्राइस देख सकते हो। इसका मैं साउंड क्वालिटी बताता हूँ और इसका जो भी चीज़ है आपको बताऊँगा वीडियो में, आप पूरा बने रहिए। और यहाँ पे जो डब्बा है वो निकल चुका है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसको साइड में रखते हैं फटाफट से और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कैसा इसका क्वालिटी रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर एक स्टिकर चिपकाया गया था, तो स्टिकर जो मैं उतार लेता हूँ इसको और निकालने का आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली बोट की तरफ से चिपकाया गया था और ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है जुलाई 2021 में। और चलिए फटाफट इसके बारे में कुछ डब्बे के ऊपर लिखा है वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.0 का कनेक्टिविटी मिलता है, काफ़ी सही है। और आपको इसमें 500 mAh की बैटरी मिलता है और आपको इसमें एक और चीज़ मिलता है जो कि काफ़ी मेरे को अच्छा लगा और आपको भी ये अच्छा लगेगा सुन के कि इसमें जो नॉइज़ कैंसिलेशन वो चीज़ मिलता है और इसमें 20 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। इसमें लिखा है 20 घंटे का बैटरी बैकअप लेकिन 18 घंटे का आपको तो मैक्सिमम मिल ही जाएगा। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा और आपको भी अच्छा लगा होगा। और इसमें जो है ना आपका जो कान है वो पूरा ढक जाएगा, तो मतलब ओवर ईयर ये जो इसमें मिलता है वो कप्स मिलता है। समझ सकते हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि थोड़ा सा अटपटा हो रहा है बोलने में, बट आप समझ सकते हो, आप काफ़ी समझदार हो। और यहाँ पे इसको मैं ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे जो बोट का रॉकजेट या फिर रॉकर्स 550 वो निकल चुका है। इसको साइड में रखते हैं और इन द बॉक्स देखते हैं क्या क्या चीज़ है। तो आपको एक यूज़र मेनू मिल जाता है ये वाला, आप देख सकते हो बेसिक फंक्शन वगैरह लिखा है इसमें। चलिए इसको फटाफट से साइड में रखते हैं और यहाँ पे एक यूज़र मेनू और भी मिल जाता है। इसमें बहुत सारे मतलब कि समझ सकते हो सेलिब्रिटीज का फोटो वगैरह रहता है और यहाँ पे 1 साल का वारंटी कार्ड भी मिल जाता है आपको। और इसके अंदर आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल और AUX केबल मिल जाता है। इस दोनों का क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगा और अदर जो भी आता है समझ सकते हो आप, अदर बोट का रॉकजेट 235 V2 और भी 500 अदर भी 450 उससे मतलब इसका जो चार्जिंग का क्वालिटी है, मतलब चार्जर का चार्जिंग केबल का क्वालिटी है वो काफ़ी मेरे को तगड़ा लगा उसके मुकाबले। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका लेंथ भी काफ़ी मेरे को लंबा लगा, आपको तो वीडियो में नहीं दिखाया हूँ लेंथ कितना लंबा है, हालांकि लेंथ आपको काफ़ी तगड़ा मिलता है। आप देख सकते हो इसका जो क्वालिटी है काफ़ी सही मिलता है अदर के मुकाबले। और इसका AUX केबल का मतलब क्वालिटी ओवरऑल सही था, दोनों मतलब इसके पहले जो भी यूज़ किया था उससे और इसमें मिलता जुलता है, तो आप सही है ठीक ठाक है इसका। और यहाँ पर इसका लेंथ भी दिखाता हूँ, लेंथ भी काफ़ी मेरे को सही लगा, इसका ओवरऑल लेंथ काफ़ी सही है आप देख सकते हो। इसका क्वालिटी भी काफ़ी सही है, अगर आपको लेना है तो ले सकते हो, मेरे तरफ से रेकमेंड रहेगा। और यहाँ पे आप देखते हो ये रहा बोट का रॉकजेट 550। चलिए इसके बारे में कुछ आपको डिटेल्स बताता हूँ। इसका जो ईयर कप से आपको कान में अगर लगाते हो तो अगर ठंडे के दिन में यूज़ कर रहे हो ना तो आपको पूरा एकदम कान को ढक लेगा और ठंडा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको। मैं यूज़ करके पर्सनली ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, अभी ठंडी का समय चल रहा है तो मैंने इसको ठंडी में यूज़ किया तो मेरे को ठंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था इसको यूज़ करने के बाद। और इसका जो मटेरियल है ना, जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया, काफ़ी तगड़ा और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया है, इससे आपको पूरा मजबूती मिलता है। लेकिन इसका जो जो सर पे रहता है ना वो जो लंबा और छोटा हो रहा है आप समझ सकते हो, वो वाला का क्वालिटी उतना भी ठीक ठाक है, मतलब उतना भी बेस्ट नहीं है, जो समझ सकते हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो वाला चीज़ है। तो वो थोड़ा और बेस्ट रहता तो अच्छा रहता। और इसका जो साउंड क्वालिटी का एक्सपीरियंस बताएं तो जैसा कि मैंने साउंड क्वालिटी को यूज़ किया और टेस्ट किया तो मेरे को इसमें बेस का जो लेवल है वो हल्का सा कम लगा मुझे, थोड़ा सा और ज़्यादा बेस रहता तो काफ़ी सही रहता और काफ़ी इसका मज़ा आता सुनने में। और एक चीज़ मेरे को और थोड़ा सा कमी लगा, इसका जो आवाज़ है ना वो हल्का सा कम है, लेकिन मतलब फुल वॉल्यूम करने के बाद बता रहा हूँ आपको, फुल वॉल्यूम करने के बाद हल्का सा आवाज़ मेरे को कमज़ोर लगा, थोड़ा सा आवाज़ और ज़्यादा रहता तो काफ़ी सही लगता है मेरे को। और इसका जो ईयर कप्स है ना काफ़ी स्मूथ है, मतलब कि काफ़ी मतलब दब जाता है, समझ सकते हो आप, मतलब कि दबाने पे कान में अगर यूज़ करते हो तो आपको पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। और इसको लगभग मैंने 4 से 5 घंटा लगातार यूज़ किया, कोई भी दिक्कत नहीं आया, मतलब 450 मैंने यूज़ किया था बोट का रॉकजेट 450, उसका अनबॉक्सिंग आपको आई बटन पे आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर मैंने वो यूज़ कर रहा था ना, मतलब कि 450 यूज़ कर रहा हूँ 1 से 2 घंटा, तो कान आपका पूरा दर्द करने लगेगा। लेकिन इसको अगर आप 4-5 घंटे यूज़ करते हो तो कोई भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब कि कुछ कान में दर्द भी हो रहा है।
तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और आपको लेना है तो ले सकते हो। जो आपको कमियां था वो बता दिया हूँ और जो एडवांटेज था वो भी आपको बता दिया हूँ, डिसएडवांटेज भी बता दिया हूँ। अगर आपका मेरे से कोई सवाल मतलब छूट गया हो इसमें नहीं बताया हूँ तो आप मुझे कमेंट करना, वो भी चीज़ आपको बता दूंगा। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन पावर बटन और AUX केबल का इसमें पोर्ट मिल जाता है और चार्जिंग केबल का पोर्ट मिल जाता है। तो काफ़ी मेरे को सही लगा ये हेडफोन, आप लेना है तो ले सकते हो। अगर आपको 1400 या फिर 1500 के आसपास में मिल जाता है तो काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप इसके लिए 1800-1700 रुपीज़ दे रहे हो तो वो वर्थ नहीं है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपको 1400 से 1500 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है आप बेसिकली ले सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।